हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग और कैसा चल रहा है आप लोग का रैंक पुश। एंड मैं फिर से आ चुका हूँ सोलो कॉन्करर रैंक पुशिंग वीडियो लेकर आप लोग के लिए। एंड इस वाले वीडियो में काफ़ी मजा आएगा गाइस, तो पूरा एंड तक देखना। मैं स्टार्टिंग में देखो कितना किल निकलता हूँ। आप लोग सोचोगे यार तो भाई इतना किल कैसे निकल दिया ये वाले मैच में। तो गाइस यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में कैसे कैसे फाइट होती है और मैं यहाँ पे कितना किल निकलता हूँ वो भी देख लेना। एंड गाइस अगर चैनल पे आप लोग न्यू आ रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो। एंड गाइस यहाँ पे मेरा 6 किल हो गया था और यहाँ पे अभी 6 बंदे अलाउ थे। और अब देखो यहाँ पे मेरे को ट्रिपला में से एक बंदे का साउंड आता है और ये वाला नेट देखना गाइस। गाइस यहाँ पे ना राइट साइड में से फूट आता है मेरे को, तो वहाँ पे भी एक बंदा था सामने की साइड घर में। अब यहाँ पे देखना मैं इसके ऊपर मोली ट्राई करता हूँ। एंड गाइस ये वाला बंदा वहाँ से भाग के मेरे सामने वाले घर में आ जाता है। अब यहाँ पे देखना इसको कैसे मारने वाला हूँ मैं। अब गाइस यहाँ पे मैं इसको फूट ही नहीं देता। वो वाला बंदा पता नहीं टीपी पे ले रहा था, शायद आगे की साइड बंदा होगा इसलिए टीपी पे ले रहा होगा। अब गाइस यहाँ पे त्रिपला में बंदा था तो मैं यहाँ पे जैसे ऊपर जाता हूँ ना तो ये वाला बंदा मेरे पे पुश कर देता। अब यहाँ पे देखना फाइट। अब गाइस ये वाला बंदा ना यार काफ़ी एग्रेसिव खेल रहा था और इसके पास DBS थी और यहाँ पे मैं मरते मरते बचा हूँ। अब गाइस यहाँ पे ना दो ही बंदे अलाउ थे तो मैं सोचा इसको भी ढूंढता हूँ और इसको भी मार देता हूँ। अब यहाँ पे देखो मैं जैसे ही यहाँ पे आता हूँ ना तो यहाँ पे आगे की साइड से फूट आता है, तो मैं यहाँ पे नेट वगैरह ट्राई करता हूँ। अब गाइस यहाँ पे नेट तो उसके अंदर नहीं हो रहा था, यहाँ पे बाहर की साइड नेट हो जाता है और मैं सोचा चलो उठ के सीधा पुश कर देता हूँ। और यहाँ पे जैसे आता हूँ ना तो आगे से और एक फूट आता है। बस यहाँ पे इसको दे जिगल करके मार देता हूँ और यहाँ पे जैसे हीलिंग करता हूँ ना तो यहाँ पे देखो पीछे से पड़ती है और ये वाला बंदा फुल गेम कर रहा था पीछे की साइड, पता नहीं कहाँ जड़ के बैठा है भाई। अब गाइस यहाँ पे मैं रिकॉल होकर आ जाता हूँ फेयर रिपेयर के साइड और यहाँ पे ये वाली गाड़ी उठा लेता हूँ। एंड गाइस गाड़ी लेके सीधा मैं प्रीमोक्स में आ जाता हूँ और ये वाली जगह पूरी अनलूटेड थी तो मैं सोचा चलो यहाँ पे आराम से लूट कर लेता हूँ। अब गाइस यहाँ पे मेरी थोड़ी बहुत अच्छी लूट हो गई थी और मेरे को जोन में भी जाना था और पोजिशन भी निकलना था तो मैं सोचा चलो यहीं से निकल जाता हूँ। अब देखना मैं कहाँ पर जाकर पोजिशन निकलता हूँ। इनके से ये वाले सेक पे आ जाता हूँ और ये वाले सेक पे कोई नहीं था, ये वाला सेक पूरा खाली था और सामने की साइड एक गाड़ी लगी थी जो सामने सेक है ना वहीं पे, वहाँ पे एक बंदा था और ये वाली जगह पूरी सेंटर में थी तो मैं सोचा चलो यहीं पे होल्ड करता हूँ। इनके से यहाँ पे नेक्स्ट वाला जोन चालू हो गया था और ये वाला बंदा सामने ना वो स्मोक करता है, पता नहीं शायद जाने की ट्राई कर रहा होगा क्योंकि इसकी गाड़ी का टायर मैंने फोड़ दिया था। गाइस यहाँ पे ना अचानक से गाड़ी वाला बंदा आता है और वहाँ पे इन लोग की फाइट हो जाती है। अब देखना
गाइस यहाँ पे शेक वाला बंदा गाड़ी वाले बंदे को मार देता है और इसका टायर फोड़ देता हूँ। अब यहाँ पे एक देखो वापस एक गाड़ी आती है और गाड़ी वाला बंदा शेक वाले को मार देता है। भाई यहाँ पे देखो क्या हो रहा था कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। गाइस यार ये वाले स्प्रे के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है यार गाइस, एंड जिसने भी नहीं किया प्लीज कर देना लाइक एंड सब्सक्राइब। गाइस यहाँ पे मेरा टॉप 10 हो गया था, वो नेक्स्ट वाला जोन 10 सेकंड में चालू होने वाला था, तो मैं सोचा चलो अभी जोन में निकल जाता हूँ। अब यहाँ पे देखो मेरे को पोजीशन भी निकालनी है और काफ़ी जगह पे बंदे ही बंदे हैं। गाइस यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में जो वेयरहाउस है ना वो शायद जोन के अंदर था, तो मैं सोचा चलो यहीं पर रुक जाता हूँ। फिर यहाँ पे कंटेनर वाली जगह देखता हूँ ना, तो ये वाली जगह भी जोन के अंदर ही थी। एंड गाइस यहाँ पे ना सामने की साइड एक बंदा दिखता है जोन के बाहर, और यहाँ पे एक वेयरहाउस में भी बंदा बैठा था, मेरे को नहीं पता था कि यहाँ पे कोई बंदा होगा। अब गाइस यहाँ पे मेरे को भी जोन टच हो गया था और जोन के बाहर से बंदा आ रहा था, मैं उसको मारने के लिए ट्राई कर रहा था। यहाँ पे देखो मेरे साथ कुछ गलत सीन होने वाला है। अब गाइस यहाँ पे ना ये वाले बंदे ने यार जोन के बाहर आके मार दिया और मेरे को यार काफ़ी गुस्सा आ रहा था भाई यहाँ पे। अगर गाइस यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्टेप पे थोड़ा बहुत ध्यान दिया रहता ना तो मैं यहाँ पे नहीं मरता। एंड गाइस इस वाले मैच में मेरे को 24 का प्लस मिल गया था। एंड गाइस ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मार देना, थोड़ा बहुत सपोर्ट भी कर देना गाइस।